ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा जो ट्रेनिंग है वो है फेसबुक मार्केटिंग, ऑल अबाउट फेसबुक पर आप किस तरीके से लीड जनरेट करोगे। उसके बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है। तो आज आपको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है कि फेसबुक से आप किस किस तरीके से आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सबसे पहले तो आप इंटरफेसिंग को समझो कि फेसबुक में आप किस तरीके से लीड जनरेट करते हो। जब भी आप फेसबुक पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप कुछ प्रमोशन कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग आप कर रहे हो, उसके दो वेज होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फेसबुक पेज एंड सेकंड होता है आपका फेसबुक ग्रुप्स। ओके, अब पेज एंड ग्रुप्स में आपको डिफरेंस समझना है। जो पेज होता है, पेज आपको पहले बनाना है अपनी कंपनी के रिगार्डिंग, आपको उसको टाइटल देना है और पेज को मेंटेन करके रखना है रिगार्डिंग योर बिजनेस। आपको उसमें डेली अपडेट्स डालने हैं और अपने पेज को क्रिएट करके उसको उसकी रीच को अल्टीमेटली आपको बढ़ाना है। फेसबुक पेज से भी लीड जनरेट होती है, ठीक है, लेकिन ये हम आज नहीं सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ग्रुप्स के थ्रू पोस्टिंग। फेसबुक में भी कई सारे वेज होते हैं लीड जनरेट करने के, तो आप पहले माइन्यूटली एक एक चीज को समझना अच्छे से। अब फेसबुक ग्रुप्स क्या होते हैं? फेसबुक ग्रुप में भी आपको टू टाइप्स के ग्रुप्स मिलते हैं। एक होता है पेड ग्रुप, ठीक है, एक होता है आपके फ्री ग्रुप। हमें कहाँ पे जाना है? न्यू ज्वाइनर्स को जाना है फ्री ग्रुप्स में। फ्री ग्रुप्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट ग्रुप और एक होता है पब्लिक ग्रुप। क्लियर इतना? ग्रुप्स क्या होते हैं? फेसबुक पर कई लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं और उसमें पार्टिसिपेंट उसमें ऐड होते चले जाते हैं। जैसे कुछ किसी भी चीज के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया, सपोज जो एडमिन है ग्रुप का, ग्रुप आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकती हूँ या कोई थर्ड पर्सन भी बना सकता है। और इसी तरीके से लोग ग्रुप बनाते हैं और कुछ ना कुछ उसमें सर्विसेज देते हैं अपनी। तो ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, कई सारे अनगिनत ग्रुप हैं। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रुप्स इन फेसबुक, कोई गिनती नहीं है फेसबुक पे, इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं। वो मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगी डिस्कवर कैसे करना है उनको। आपको पहले समझना ये है कि ग्रुप्स क्या होता है। अब जैसे कई न्यू ज्वाइनर्स ये बोलते हैं कि मैम हम अपनी पोस्टिंग करेंगे तो वो कहीं हमारे टाइमलाइन वालों को या हमारे फ्रेंड फैमिली सर्कल को तो नहीं दिखेगी, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते हैं दिखे नहीं। तो लेट मी क्लियर यू, सबसे पहले मैं ये क्लियर करती हूँ कि जो भी पोस्टिंग आप ग्रुप में करते हो वो पोस्टिंग ना तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल जो आपके टाइमलाइन पे है उनको नहीं दिखती है। वो सिर्फ पोस्टिंग उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को दिखती है जो उस ग्रुप में ऑलरेडी पार्टिसिपेंट होते हैं। अगर कोई ग्रुप हुआ, सपोज मैंने एक देखा यूपी होलसेल बाजार, यूपी होलसेल बाजार एक ग्रुप है, ठीक है। उसमें उस एडमिन ने ये क्यों बनाया था ग्रुप, उस एडमिन का जो मोटिव था या रहा होगा कभी पहले, उसका मोटिव ये ग्रुप को बनाने का था कि यूपी से वो पर्सन है और उसने होलसेल बाजार कोई रीसेलिंग का ग्रुप रहा होगा वो, और उसने उस ग्रुप को बनाया, ठीक है। और उस ग्रुप में सारे रीसेलिंग वाले पिक्स एंड ऑल पोस्टिंग वगैरह सब आते होंगे। बट अभी उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्रमोशन भी हो रहा है, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम की उसमें पोस्टिंग भी डाल रहे हो, या फिर कोई अपने प्रोडक्ट सेलिंग का डाल रहा है, या फिर कोई कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी डाल रहा है। तो सपोज आपने वर्क फ्रॉम होम की उस यूपी होलसेल बाजार में पोस्टिंग डाली, तो वो पोस्टिंग किस किस को दिखेगी? वो पोस्टिंग यूपी होलसेल बाजार ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो उनको दिखेगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरी पोस्टिंग किस किस को दिखेगी। सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। क्लियर इतना? किस पर्टिकुलर ग्रुप में आपने डाली है, आपकी पोस्टिंग उन्हीं लोगों को दिखेगी जो उस ग्रुप में है। गॉट इट? अब ग्रुप्स में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है
पेड ग्रुप और एक होता है फ्री ग्रुप। इनिशियली जब आपकी इनकम नहीं आती, जब तक आपको फ्री पे वर्क करना है, फ्री ग्रुप्स में दो होते हैं, एक प्राइवेट होता है एक पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब ये होता है कि एडमिन ने अपने ग्रुप में सेटिंग लगा रखी है, अगर वो आपकी पोस्ट को अप्रूवल देगा तभी वो पोस्टिंग आपकी पब्लिश होगी, अदरवाइज वो पब्लिश नहीं होगी, दैट इज प्राइवेट ग्रुप। ओके, एंड व्हाट इज पब्लिक ग्रुप? पब्लिक ग्रुप में आप कोई भी पोस्टिंग डालते हो, उसमें कुछ भी अप्रूवल नहीं होता है एडमिन का, मतलब एडमिन का उसमें कोई भी उनके हाथ में ऐसा नहीं होता है, वो पब्लिकली आप उसको पोस्ट करते हो, वो इंस्टेंटली पोस्ट हो जाती है और आपकी जो पोस्ट होती है वो पब्लिश हो जाती है इंस्टेंटली। तो कई बार आपने देखा भी होगा, अगर ऑलरेडी जो पोस्टिंग कर रहे हैं तो कई बार पोस्टिंग एकदम से नहीं जाती है, उसमें आ जाता है मैसेज योर पोस्ट इज वेटिंग फॉर द एडमिन पोस्ट अप्रूवल, तो उसने आपका प्राइवेट ग्रुप में, इट मींस आपने पोस्टिंग की हुई है। क्लियर इतना व्हाट इज प्राइवेट ग्रुप एंड व्हाट इज पब्लिक ग्रुप? अब दूसरा पॉइंटर होता है हमारा, अब आपको कहाँ पर जाना है? आपको इन दोनों में जाना है, मतलब आपको प्राइवेट ग्रुप में भी जाना है, आपको पब्लिक ग्रुप में भी पोस्टिंग करनी है। प्राइवेट ग्रुप में आपको पहले चेक करना है किस तरीके की पोस्टिंग हो रही है, अगर प्रमोशन से रिलेटेड पोस्टिंग हो रही है आप उसमें चेक कर लो, या फिर आप उसमें एक बार करके देख लो, अगर आपकी एक दिन बाद दो दिन बाद पब्लिश हो जाती है इट मीन्स आप उसमें पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और कई ग्रुप ऐसे होते हैं प्राइवेट जिसमें प्रमोशन स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड होता है, आप उसमें कर ही नहीं सकते हो, और उसमें ऑप्शन भी एक आता है कि यू कांट डू सेल्फ प्रमोशन और लाइक पोस्टिंग, ऐसा कुछ आप खुद का नहीं कर सकते हो, तो वो ग्रुप की आप देख सकते हो, वो मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगी बाद में, पहले आप थियोरिटिकल नॉलेज पूरा ले लो फेसबुक का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको व्हाट इज प्राइवेट व्हाट इज पब्लिक? अब आप लोगों की मैं सबसे बड़ी मिस्टेक बताती हूँ फेसबुक पोस्टिंग में, आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी पोस्ट वी शुड डू इन वन डे, एक दिन में आपको कितनी पोस्ट करनी चाहिए? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। Of 15 times 20 posts. करती हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर आए हैं, मैं करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। एक आईडी से, अगर आपकी एक फेसबुक अकाउंट है और उसमें आप अगर पोस्टिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं हो, मेरी आईडी के व्यूज खत्म नहीं हो और मेरी आईडी कभी भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो पोस्टिंग करने से, तो करेक्ट वे ये होता है कि आप स्लॉट में 5-5-5 पोस्टिंग करो। समीरा का राइट आंसर है 5-5-5 पोस्टिंग, ठीक है। उसमें भी अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, जस्ट ए मिनट। जो भी आप पोस्टिंग करते हो, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं ये भी बता देती हूँ आपको क्या मिस्टेक करते हो। आप जब भी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि हम एवरी टाइम वर्क फ्रॉम होम की पोस्टिंग करेंगे, हमें बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी और हमारा काम बन जाएगा, राइट? आप यही सोचते हो ना अभी तक, और वो आप बहुत गलत सोचते हो। जो भी आप पोस्टिंग करते हो उसमें 3 times डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट इज मॉर्निंग, सेकंड इज नून एंड थर्ड इज इवनिंग, ठीक है। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ पहले। ओके, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है उसका भी मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहे हो तो उसका जो रिलीवेंट टाइम है, रिलीवेंट टाइम का मतलब ये होता है कि अगर कैलकुलेशन के हिसाब से जो निकालते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंडिया में जो पब्लिक होती है वो सबसे ज्यादा किस टाइम फ्री होती है,
वो होती है 9 to 11 AM, क्योंकि मॉर्निंग में सबका ऑफिस जाने का टाइम, सबका रेडी होने का टाइम एंड ऑल ये सब होता है। तो ऑन एन एवरेज टाइमिंग बता रही हूँ मैं, जो कैलकुलेशन है इंडिया की वो ये है कि 9 to 11 जनरली पब्लिक जो होती है वो फेसबुक को खोल के बैठी होती है। तो आपका जो रिलीवेंट टाइम है मॉर्निंग का वो है 9 to 11 AM। इस ड्यूरेशन में आपको पोस्टिंग करनी है। अब कई लोग तो सोच रहे हैं कि हमें इसमें वर्क फ्रॉम होम पोस्टिंग डाल देनी है लीड जनरेशन के लिए, राइट? आप डालिए, बेशक डालिए, 5 पोस्टिंग आपको डालनी है, बट उसमें से 2 से 3 पोस्टिंग आपको कैसी डालनी है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड एक क्विज बनाना है, ठीक है? क्विज इन द सेंस कि लाइक आप एक क्विज इस तरीके का बना सकते हो, आप पूछ सकते हो कि आप किस तरीके का वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे दो, ठीक है? एक डेटा एंट्री दे दो, एक रिक्रूटमेंट दे दो, एक इस तरीके से रीसेलिंग दे दो, एक कुछ और दे दो, एक क्विज जैसा बना दिया, या फिर आपने कुछ लेटेस्ट न्यूज अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डाल दी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम हम ये क्यों डालें, इससे हमारी क्या लीड जनरेट होगी? इससे आपकी लीड जनरेट नहीं होगी, इससे क्या होगा, इससे आपके व्यूज बढ़ेंगे, और व्यूज बढ़ाना ही आपका काम है। जैसे जैसे आपके फेसबुक प्रोफाइल पे व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे ना, आपकी रीच खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। और ये एक दिन का काम नहीं होता, ये कोई मैजिक नहीं है, आपको इस पे पूरा वर्कआउट करना है। फेसबुक इज नॉट लाइक अ चाइल्डिश थिंग, एक बचपना जैसा नहीं है इसमें, इसको आपको बहुत थरोली माइन्यूटली समझना पड़ेगा, ठीक है? तो 9 to 11 आप अगर 5 पोस्टिंग कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसमें से एक पोस्टिंग आप कुछ क्विज टाइप की डालो, एक पोस्टिंग आप उसमें आप लाइक लेटेस्ट न्यूज डाल सकते हो, लेटेस्ट न्यूज आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। अब ये नहीं बोल रही हूं मैं लेटेस्ट न्यूज में आपने कोई पॉलिटिकल न्यूज डाल दी या फिर आपने कुछ जो चल रहा है न्यूज में वो डाल दें, नो, लेटेस्ट न्यूज की आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट न्यूज आपको डालनी है, ठीक है? थर्ड, अब जो बाकी की है उसमें आप अपनी लीड जनरेशन की पोस्टिंग डालोगे। क्लियर इतना? अब आपको क्या ये पता है एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है फेसबुक टर्म्स में? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट एंगेजमेंट जो अभी तक आप सुनते आ रहे हो, आई एम टेलिंग अबाउट फेसबुक में एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। किसी को पता है? लेट मी नो, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। क्या आपको पता है एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, एंगेजमेंट का मतलब ये होता है फेसबुक में कि कोई भी यूजर आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है, ठीक है? आपकी पोस्टिंग को देख के वो विजिट कर रहा है, आपका उसके यूजर का आपके अकाउंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट हो रहा है, आप जो यूजर आ रहा है आपकी प्रोफाइल पर पोस्टिंग देख के आपके अकाउंट के साथ उसका एंगेजमेंट हो रहा है। और अल्टीमेटली आपको क्या बढ़ाना है? अल्टीमेटली आपको एंगेजमेंट बढ़ाना है। एंगेजमेंट बढ़ेगा तो आपके ऑटोमेटिकली कमेंट्स भी ज्यादा आएंगे, लाइक्स भी ज्यादा आएंगे, और इनफैक्ट उसमें कभी कभी शेयरिंग भी हो जाती है अच्छी, ठीक है? अब आपको एंगेजमेंट क्लियर हो गया क्या होता है एंगेजमेंट? बहुत माइन्यूटली थ्योरेटिकल नॉलेज लेके जाना, और ये आप अगर इस तरीके से आप फेसबुक पोस्टिंग करोगे ना, आई डोंट थिंक सो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। थिंग इज दैट कि आप जो नॉलेज है ना उसको लेके नहीं पोस्टिंग कर रहे हो, वही मिस्टेक हो रही है, ठीक है? इतना क्लियर आपको? ओके, तो 9 to 11 आपने अपना ये कंप्लीट किया, ठीक है? अब नून में, नून में आपको क्या करना है, जो आपका रिलीवेंट टाइम होता है नून का, ऑन एन एवरेज जो फ्री टाइम होता है लोगों का, जब जनरली लोग फेसबुक पर पाए जाते हैं, वो होता है 3 to 5 PM, ठीक है? 3 to 5 PM में आपको सिर्फ लीड जनरेशन की पोस्टिंग करनी है, ठीक है? इस टाइम में आप अपनी 5 पोस्टिंग 5 ग्रुप में डालोगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टिंग, और वो सारी आपकी लीड जनरेशन की होनी चाहिए, ठीक है? इवनिंग टाइम जो होता है आपका,
इवनिंग टाइम में जो रिलीवेंट टाइम होता है डेट इज 7 to 8 PM। ये जो ऑन एन एवरेज टाइम बता रही हूँ मैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये टाइम रिलीवेंट टाइम है अकॉर्डिंग टू सर्वे। मतलब फेसबुक भी सर्वे करता है कि किस टाइम पे फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा यूजर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक को इंगेज करके रख रहे हैं, ठीक है। तो 7 to 8 PM जो टाइमिंग है उसमें भी फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा यूजर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में आपको किस तरीके की पोस्टिंग करनी है, 7 to 8 PM में, इस ड्यूरेशन में आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अचीवमेंट्स डालने हैं, ठीक है, अचीवमेंट डालने हैं आपको, और आप कुछ भी इसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड जो आप सर्विसेज दे रहे हो, लेटेस्ट न्यूज, आप कुछ भी अपना क्रिएटिव सा बना के वो डाल सकते हो, ठीक है। और एक दो पोस्टिंग सिर्फ लीड जनरेशन की इसमें डालनी है आपको, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स में वही, जैसे आपके कितनी ज्वाइनिंग्स हुई, कितना अचीवमेंट्स हुआ, आप उसमें ये डाल सकते हो, इनकम के स्क्रीनशॉट्स डालते सकते हो, डेली ज्वाइनिंग्स के पेमेंट के स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, जो अचीवमेंट बन के आते हैं वो डाल सकते हो। तो इवनिंग में जनरली आपको एंगेज रखना है अचीवमेंट्स एंड लीड जनरेशन पर, ठीक है, क्लियर इतना। ओके अब टाइमिंग भी क्लियर हो गई हमें कि कितने टाइम पर हमको पोस्टिंग करनी है, कौन कौन सी टाइम पे करनी है और किस किस टाइप की हमें पोस्टिंग करनी है, ठीक है, कौन से ग्रुप्स में करनी है। इतना क्लियर आप सभी को, इसमें कोई डाउट्स है? अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जितना भी बताया है इस वर्क को आपको रखना है कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको डेली, जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हो ना, 3 टाइम आपको ये टाइमिंग, चाहे आप अलार्म सेट कर लो, चाहे आप अपने माइंड में सेट कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट आपको ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये वर्क करना है, ठीक है। अब आपको कंसिस्टेंट रखना है, अब इसमें भी ऐसा नहीं करना है जैसे आपने आज कर लिया 9 to 11, आप कल आपने स्किप कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। आपको इसको डुप्लीकेसी से डेली कंसिस्टेंट रखना है, डेली एवरी डे, जैसे 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 आपके व्यूज बढ़ते चले जाएंगे, रीच बढ़ती चली जाएगी, आपकी जो पोस्टिंग है उस पे कमेंट ज्यादा से ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर इतना। ओके अब मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें डिस्कवर करने हैं ग्रुप्स फेसबुक पर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना अभी तक? प्राइवेट वाले चार्ज नहीं लेते हैं, आई वॉज टेलिंग फ्री ग्रुप्स। फ्री ग्रुप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट ग्रुप, एक होता है पब्लिक ग्रुप, ठीक है। उसमें आपका पेड बेसिस नहीं होता, पेड इज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप, उसका ट्रेनिंग मैं अलग से रखूंगी, उसमें कैसे क्या करना होता है वो मैं अलग से बताऊंगी, अभी के लिए फॉरगेट अबाउट पेड ग्रुप, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले का मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको उनमें पोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब आपका काम है ग्रुप्स को सर्च करना, ठीक है। उससे पहले कुछ पोस्टिंग रूल्स मैं आपको बता देती हूँ, किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो जैसा मैंने आपको टाइमिंग का बता दिया, नाउ टाइमिंग इज क्लियर टू यू। बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, ये सारे पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना है। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, अगर आपको याद नहीं रहता है बाद में आप लिख के भी रख सकते हो इन सबको, क्योंकि एक पॉइंटर नहीं होता है, इसमें आपको कई सारे पॉइंटर का ध्यान रखना होता है। टाइमिंग मैंने आपको क्लियर कर दी, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि 3 टाइम्स आपको पोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि आपको सिर्फ एक टाइप की लीड जनरेशन की पोस्टिंग नहीं करनी है, आपको अलग 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 टाइप की भी पोस्टिंग करनी है, ताकि आपका जो आईडी है वो ब्लॉक नहीं हो, वो ऑथेंटिकेशन में रहे ऑलवेज, ठीक है। अब आप सिर्फ 15 पोस्टिंग टोटल कर सकते हो एक आईडी पे, तो फेसबुक की आप 3-4 आईडी बना के रखो, ताकि आप अलग 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 आईडी से ज्यादा पोस्टिंग करो, अगर आपको ज्यादा लीड जनरेट करनी है तो। बट एक आईडी पर आप बहुत ज्यादा पोस्टिंग मत करना,
अदरवाइज आईडी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। पोस्ट आप जो भी कर रहे हो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी पोस्ट थोड़ी सी प्रोफेशनल लगनी चाहिए और उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इंग्लिश में ही लिखो, आप हिंदी में लिखो उसको, बट बहुत क्लियरली लिखो उसको, उसमें मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। आप जो भी पोस्टिंग करते हो ना उसको मतलब आपको सबसे पहले तो उसको लाइक करना है और खुद 3-4 बार उसमें कमेंट कर देना है यस यस यस, और उसको भी लाइक कर देना है। लाइक करने से भी आपकी रीच बढ़ती है और पोस्ट ऊपर 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 तक पहुंचती है, ठीक है। ओके, अब मैं लाइव दिखा देती हूँ आपको और वहीं पर मैं रूल्स भी बताती जाऊंगी आपको, जस्ट अ मिनट। तो आपको सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है और जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं अपने पुराने फेसबुक अकाउंट पर ही वर्क करना, नया अकाउंट खोल के आप उस पर वर्क मत करना। अदरवाइज न्यू अकाउंट पे आप इंस्टेंटली पोस्टिंग करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आपको अपने ओल्ड अकाउंट पे करना है क्योंकि वो एक लीगल अकाउंट है, वो रनिंग अकाउंट है, फेसबुक के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी के रूल्स में है और अकॉर्डिंग टू दैट आप उसमें पोस्टिंग करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको फेसबुक अपना प्रोफाइल खोलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 3 लाइंस होती है आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये ग्रुप का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर में आप देखोगे यहाँ एक ऑप्शन होता है डिस्कवर, डिस्कवर में आप जाना, यहाँ पर आपको बहुत सारे ये सारे ग्रुप्स ओपन होंगे। जब आप 10 ग्रुप ज्वाइन कर लोगे आपकी अपलाइन जो है वो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स देती है, राइट। वो वाले लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपने सर्च करके ज्वाइन कर लिए, वो कहाँ से करते हो आप, जब यहाँ पे या तो वो लिंक देंगे आपको या फिर आप सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करोगे और पर्टिकुलर ग्रुप जो भी सपोज मुझे उन्होंने दिया यूपी होलसेल बाजार, मैंने इसको ओपन किया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये विजिट विजिट इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करोगे, ये ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाएगा, ओके। या तो आप सर्च करके 10-15 ग्रुप ज्वाइन कर लोगे या फिर लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लोगे अगर आपको लिंक मिले आपकी अपलाइन के थ्रू। उसके बाद जब आप डिस्कवर में जाओगे ना तो डिस्कवर जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप के मतलब रिलेटेड ग्रुप्स दिखाता है, जिस टाइप के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर रहे हो ना उस रिलेटेड ग्रुप वो अपने आप से फेसबुक दिखाता है। फेसबुक इतना इंटेलिजेंट है कि आप कुछ भी फेसबुक पे एक्टिविटी कर रहे हो ना उसको सब पता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको ग्रुप दिखाएगा। आप ये देखो फोर्सा, ये सॉरी इसमें जो है इसमें आप जाते हो तो इसमें डिस्कवर में आप जाते हो तो ये आपके अकॉर्डिंग ही जो आप सर्च कर रहे हो, जिस टाइप के ग्रुप आप सर्च कर रहे हो वही आपको सर्च दिखाएगा ग्रुप्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ग्रुप्स ज्वाइन करते चले जाना है, लेकिन विदाउट ओपनिंग आप मत करना। आपको क्या करना है, पहले ग्रुप को ओपन करके देखना है। क्या करोगे, आपने इस ग्रुप में गए, ठीक है, अब आप इस ग्रुप को ओपन करो, इसमें आप देखो किस तरीके की पोस्टिंग्स हो रही हैं। तो इसमें इस तरीके की पोस्टिंग हो रही है मींस अलाउड है, तो आप क्या करोगे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये मराठी ग्रुप है तो ये मराठी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप ये यस कर देना, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि आपने बिजनेस के लिए ये ग्रुप ज्वाइन किया है, कौन सा बिजनेस है, तो आप बोल देना होम बेस्ड बिजनेस, ठीक है। इसको हमने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो योर मेंबरशिप इज पेंडिंग, इसका मतलब ये हुआ ये प्राइवेट ग्रुप है, ये पब्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसका जो एडमिन है उन्होंने सेटिंग डाल रखी है और उनके हाथ में है वो कौन सी पोस्ट को अप्रूव करेंगे कौन सी पोस्ट को डिसअप्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, आई थिंक यहाँ पर क्योंकि ये आपको अब ये पेंडिंग इट मींस मैं अभी इसमें पोस्टिंग नहीं कर सकती हूँ जब तक ये अप्रूव नहीं होगा। इस तरीके से आपको कई सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं,
पुणे बिजनेस ग्रुप है जैसे, अब इसमें इस तरीके की पोस्टिंग, एट मीन्स पोस्टिंग तो हो रही है प्रमोशन वाली, लेकिन ज्वाइन करके आपको ये पता चलेगा ये प्राइवेट है या पब्लिक है। जब आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है राइट समथिंग, आप इस पे क्लिक करके देखना, यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है इट मींस ये आपका पब्लिक ग्रुप है, इट्स नॉट प्राइवेट ग्रुप, यहाँ पे एडमिन का कोई हैंडल नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि पोस्ट अप्रूवल फ्रॉम एडमिन, तो वो प्राइवेट ग्रुप है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी टेक्स्ट मैसेज जो आपको होते हैं वो ऑलरेडी आपको अपने व्हाट्सएप में सेव करके रखने हैं, ठीक है। जैसे आपको डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हो आप उसको यहाँ पे यहाँ से कॉपी करोगे और अपने फेसबुक में इसमें जाओगे, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे, टेक्स्ट वाले एरिया में इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब इसके साथ में आपको एक पिक भी अटैच करनी है, उसके लिए आपको कभी भी गैलरी में नहीं रखना है अपना पोस्टिंग पिक, एक अलग से फोल्डर बनाओगे आप जिससे आपको कभी भी पोस्टिंग को सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये मेरा है डी ड्रीम पोस्टिंग पिक, इस पे मैंने क्लिक किया, इट मे टेक लिटिल बिट टाइम, वी हैव टू वेट। तो यहाँ पर ये सारे पोस्टिंग पिक हैं, तो आपको क्या है ना स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गैलरी में और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आपको एक फोल्डर मेंटेन करके रखना है गैलरी में ही और आपकी सारी पोस्टिंग पिक आपको इसमें कलेक्ट करके रखनी है, ठीक है। तो आप कोई भी जो भी आपको सुटेबल लगती है आप उसमें सर्च करके इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके आप उसमें डाल सकते हैं। तो सपोज मैं ये वाली डालती हूँ एंड इसको मैं पोस्ट कर दूंगी, ये जो टॉप राइट कॉर्नर में ऑप्शन था इसको मैंने पोस्ट किया। अब यहाँ पर ये पोस्ट मेरी इंस्टेंटली हो गई, इंस्टेंटली हो गई इसका मतलब ये हमारा पब्लिक ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और तीन बार आपको यस यस और यस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी आपको लाइक कर देना है, इससे क्या होगा आपका रीच बढ़ेगा और आपकी पोस्ट ऊपर ऊपर में दिखेगी और जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे फिर आपकी रीच अपने आप से बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपका इस तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है, अलग 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 टैग से अलग अलग पोस्टिंग, क्योंकि आपको ना खुद की क्रिएटिविटी भी दिखानी है इसमें। ऐसा नहीं है जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करना है, आप खुद से अलग से टेक्स्ट बनाओ, कुछ अट्रैक्टिव सा टेक्स्ट प्रिपेयर करो, उसको आप लिखो, पोस्टिंग आप कैनवा में बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैनवा में आप कितनी भी तरीके की पोस्टिंग अलग अलग बना सकते हो। तो आप खुद की क्रिएटिविटी करके भी इसमें पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से आपको क्या करना है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग 5 ग्रुप्स अपने देखने हैं और उनमें पोस्टिंग आपको अलग 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 पोस्टिंग मटेरियल से करनी है। सेम पोस्टिंग मत करना, डिफरेंट डिफरेंट पोस्टिंग करना आप, ठीक है। आप देखो ये कितने सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। और एक लिस्ट भी आपको दी गई है सिटी वाइज और स्टेट वाइज, वो लिस्ट आप अपने साथ रखो और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। उसमें जैसे अगर सिटी, कोई सिटी पकड़ी आपने, एक कोई भी सिटी आपने ली, ठीक है, और उस सिटी से आपने सर्च किया, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, उसको ज्वाइन करके आप उसमें भी पोस्टिंग करोगे, वो पूरी लिस्ट ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। जैसे ये छत्तीसगढ़ जॉब पोर्टल है तो इसमें आप चेक कर सकते हो किस तरीके की पोस्टिंग्स आ रही है। तो ये देखो इसमें इस तरीके की प्रमोशंस की पोस्टिंग है ऑलरेडी। तो अब आपकी इसमें देखो आप ये भी देखा करो ऑडियंस कितनी है, 1.5K मेंबर्स हैं इसमें। अब इसमें आपको एक चीज और मैं क्लियर करती हूँ, इस ग्रुप में ऑलरेडी नेटवर्कर भी होंगे जो अपनी अपनी कंपनी की पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे भी नेटवर्कर आ सकते हैं जिनको ये प्लान अच्छा लगे आपकी पोस्टिंग देख के, ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि वो अपना प्लान बताने आ जाए आपको। तो यू हैव टू हैंडल, आपको वो चीज हैंडल करनी आनी चाहिए, आपको अपने प्लान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि आपको हर तरीके के लोग आने वाले हैं, आपके पास फ्रेशर भी आएंगे, आपके पास नेटवर्कर भी आएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस्ड भी आएंगे, सब तरीके के आएंगे, क्योंकि आप पब्लिक ग्रुप में पोस्टिंग कर रहे हो और सिर्फ आप पोस्टिंग नहीं कर रहे हो उसमें, बहुत सारी कंपनीज के जो मेंबर्स हैं वो भी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो यू हैव टू
यू शुड नो कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें आप देखो 1.5K मेंबर्स हैं, काफी ज्यादा मेंबर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन करके इसमें आप पोस्टिंग डाल सकते हो। इसमें आप गए, इसमें आपने टेक्स्ट पेस्ट किया और आपने कोई भी ली पोस्टिंग, अपने गैलरी से कभी भी मत करना, क्योंकि गैलरी में ऑलवेज आपकी पिक्स बढ़ती चली जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और वो नीचे चली जाती है। तो आप फोल्डर ऑलवेज मेंटेन करके रखो, सो डेट आपका जो टाइमिंग है ना, वो टाइम जो है वो सेव रहे। अब इसमें हम ठीक है, कोई भी मतलब आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, पोस्टिंग ऑलरेडी बहुत सारी है। तो ये आपने कर दी डन, ये थोड़ा देर बफरिंग होती है, उसके बाद अब इसमें देखो ये आ रहा है अप्रूवल, इसमें भी पोस्टिंग अप्रूवल है, बट ये हो जाएगी अप्रूव्ड क्योंकि इसमें ऑलरेडी आ रही है इस टाइप की पोस्टिंग, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी, फिर ये इस ग्रुप के मेंबर्स को विजिबल हो जाएगी, सिर्फ इस ग्रुप के मेंबर को, क्लियर। तो डिस्कवर आपको करने हैं ग्रुप्स, आप ग्रुप्स कैसे डिस्कवर करोगे, यहां से, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स आते ही चले जाएंगे, आप करो, ग्रुप्स की कमी नहीं है, फेसबुक में अनगिनत ग्रुप्स हैं, सिर्फ उन्हीं उन्हीं ग्रुप्स में मत करो क्योंकि अब उनमें कमेंट नहीं आ रहे हैं, ऑलरेडी वहां के जितने भी मेंबर्स थे या तो वो ज्वाइंड हो, ग्रुप्स ऐसे डिस्कवर करने हैं जहां पर ये पोस्टिंग नहीं गई है प्रमोशंस की। तो आपको न्यू ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, वो एक न्यू ऑडियंस पे, क्वालिटी लीड्स पे होना चाहिए, क्लियर। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कुछ ग्रुप्स पेड होते हैं, कुछ ग्रुप फ्री होते हैं, वो आप कैसे पता लगाओगे। जैसे आप यहाँ पर जाते हो किसी भी ग्रुप में, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप में आप गए, ठीक है, यहां पर एक फीचर्ड ऑप्शन होता है। अगर ये ग्रुप पेड ग्रुप होगा ना, तो फीचर्ड में या अनाउंसमेंट, दो ऑप्शन होते हैं, एक अनाउंसमेंट होता है और एक एक फीचर्ड होता है। वहां पर एडमिन लिख देता है कि कॉन्टेक्ट दिस नंबर फॉर योर पोस्ट अप्रूवल, ठीक है। तो वो जो ग्रुप होते हैं वो पेड होते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक ये पेड ग्रुप ही होगा क्योंकि 1.1 मिलियन इसमें सब्सक्राइबर है। तो ये आपको या तो एडमिन से पूछना है, आप इसमें एक कर भी सकते हो उस तरीके से पोस्टिंग, लाइक ये इस तरीके से कर सकते हो आप पोस्टिंग, डू यू अलाउ बिजनेस प्रमोशन ऑन पेड बेसिस, ठीक है, kindly confirm। तो ये एडमिन के पास तो जाएगा ही, बट ऑब्वियस, तो आप इसको पोस्ट कर दो। अगर उसने आपकी पोस्ट देखी, वो आपको मैसेंजर पे बता देंगे कि ये पेड ग्रुप है, ठीक है। इस तरीके से भी डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर फीचर्ड में भी ऑप्शन होता है फॉर पोस्ट अप्रूवल, ठीक है, कई ग्रुप्स में होगा, कई ग्रुप्स में नहीं मिलेगा आपको। और अनाउंसमेंट एक ऑप्शन होता है, उसमें भी होता है। जैसे अब आप इसमें स्क्रॉल करके देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज ही है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी प्रमोशन की पोस्टिंग हो। इट मींस इस ग्रुप में अभी प्रमोशन के लिए ये बना ही नहीं है ग्रुप। देखो आप, अगर होती ना तो इसमें पोस्टिंग आ रही होती, तो आप क्या कर सकते हो, इसके एडमिन से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर वो पोस्टिंग के लिए अलाउ करते हैं तो फिर आप उसमें पोस्टिंग कर सकते हो पेड बेसिस पे, लेकिन पेड बेसिस का आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ फ्री वाला ही बताऊंगी। तो आपको फ्री वाले पर ही फोकस करना है अभी, ठीक है। अब आपके पास एक और ऑप्शन होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे सपोज
अब कई लोग इस तरीके की पोस्टिंग करते हैं, मुझे कोई बेस्ट प्लान चाहिए, ये है ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये लोग दूसरी कंपनी के होते हैं और ये लोग इस तरीके से लीड जनरेट करते हैं। अब जैसे कोई भी ऑलरेडी प्लान में है तो ऑब्वियसली बात है वो अपना नंबर यहाँ दे देगा या फिर वो अपना बिजनेस का प्रमोशन दे देगा, ठीक है। तो ये वाले काम नहीं करने हैं, जनरली यहाँ पर कुछ काम होने नहीं वाला है क्योंकि सब अलग-अलग कंपनी के होंगे और आपका टाइम ही वेस्ट होना है, कुछ होना नहीं है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, आप मैसेंजर में जाके उनसे पूछ सकते हो कि इन विच कंपनी यू आर करेंटली, ठीक है। आप मैसेंजर, सपोज मैं इसके मैसेंजर में गई, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया हाय योर कंपनी नेम, ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिख दो, एंड व्हाट इज बिजनेस प्लान ऑफ योर्स, ये लिख दिया आपने। अब ये अपनी कंपनी का नेम बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी चैटिंग नहीं करनी है, जब ये कंपनी नेम आपको बता देंगे आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर इनकी कंपनी का आप पूरा सर्च कर लो क्या प्लान है, उसको स्टडी आउट कर लो आप, ठीक है। जब आपने स्टडी कर लिया उसको, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उनकी कंपनी की लूप होल्स निकालोगे कि क्या लूप होल्स है अपनी ऑब्वियसली बात है जब आप अपनी खुद की कंपनी में हो तो आप अपनी कंपनी के बेनिफिट्स एंड पॉइंट्स उनको बताओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा उसको स्टडी करना है। अगर आप ये कर सकते हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो न्यू ज्वाइनर्स मत करें क्योंकि न्यू ज्वाइनर्स नहीं हैंडल कर पाएंगे जब तक आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। ये आपको तभी करना है जब आपके पास में ना नॉलेज है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड भी है। ये तीनों चीज अगर है ना तो इस तरीके से करना मैसेंजर में जाके, क्योंकि जो ऑलरेडी किसी कंपनी में है ना उसको अगर आप लूप होल बताते हो ऑब्वियसली बात है वो एकदम से नहीं सुनेगा, आपको बहुत प्रॉपर वे में उनको इन्फॉर्मेशन देना आनी चाहिए। इस तरीके से आप डेली 5 लोगों को इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो मैसेंजर के थ्रू, 5 से 10 लोगों को आप मैसेंजर के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी ग्रुप्स आप ज्वाइन करते हो वो सब आपको यहाँ पर ऊपर दिखते हैं, ठीक है। आप जितने भी ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, जैसे यहाँ पे मेरे टोटल 931 ग्रुप्स हैं, तो ये आपके सारे ग्रुप्स यहाँ पे दिखेंगे। और योर ग्रुप्स में आप जाओगे, ये योर ग्रुप्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपके सारे ग्रुप्स दिखेंगे। इसको आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हो A to Z, जैसे यहाँ पे जो एरो दिख रहे हैं इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, A to Z करोगे आप तो ये आपको अल्फाबेटिकली शो करेगा, ठीक है। जैसे ये ए से सारे ग्रुप्स हो गए, तो आप 5 ग्रुप्स आपने पकड़े यहाँ से और 5 ग्रुप्स में मॉर्निंग पोस्टिंग कर दी, फिर 5 ग्रुप्स आपने लिए नीचे वाले, फिर 5 ग्रुप्स में आपने नून पोस्टिंग कर दी, फिर 5 ग्रुप्स आपने लिए एंड 5 ग्रुप्स में आपने इवनिंग में पोस्टिंग कर दी। तो इस तरीके से आपको अपना मटेरियल रेडी रखना है सो डेट आप टाइमली उस पर पोस्टिंग पे वर्कआउट कर पाओ। क्लियर इतना? तो ग्रुप्स की कमी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्कवर करना पड़ेगा कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो आप सबमिट पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल, इसमें भी एडमिन का अप्रूवल मांग रहा है, इसमें आपको चेक कर लेना है किस तरीके की पोस्टिंग आ रही है। तो इसमें जनरली ये है रीसेलिंग की, तो आई थिंक हो जाएगी पोस्टिंग। और इसमें ये भी चेक कर लो फीचर या अनाउंसमेंट में जाके, देखो अब ये आपका पेड ग्रुप है फॉर बिजनेस प्रमोशन एंड बिजनेस एंड प्रमोशन कांटेक्ट अस एडमिन मैसेज मी, ये एडमिन है, इनको आपको क्लिक करना है, मैसेंजर में जाना है, ठीक है, और इनसे पूछना है व्हाट इज प्रोसेस फॉर बिजनेस प्रमोशन इन योर ग्रुप, ठीक है। ये डाल दिया आपने, अभी आपको प्रोसेस बता देंगे। पर मंथ का अलग अलग ग्रुप्स का पेड होता है, पेड बेसिस होता है, लेकिन कोई भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना है,
आपको देखना है कि उसमें अदर्स जो लोग कर रहे हैं पोस्टिंग, उसमें कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस वाली जो पोस्टिंग थी उसमें अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और दूसरा आपको देखना है कि उसमें ऑडियंस कितनी है। अब जैसे इस ग्रुप में सिर्फ 40 के ही ऑडियंस है, ज्यादा ऑडियंस नहीं है और ज्यादा इसमें कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको ऐसा ग्रुप पिक करना है जिसमें कमेंट्स अच्छे आ रहे हो और ऑडियंस काफी ज्यादा अच्छे अमाउंट में हो। अब देखो आप इसमें नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। अब आपको इतना हो गया, आपने ग्रुप पोस्टिंग करना सीख लिया, डिस्कवर करना सीख लिया, सिटी वाइज स्टेट वाइज आपने सर्च करना सीख लिया। अब आपका काम क्या है, डेली ऑल्टरनेट डेज पे क्लियर हिस्ट्री आपको करनी है। क्लियर हिस्ट्री आपको कैसे करनी है और क्यों करनी है वो भी मैं बता देती हूँ। आपको जाना है ये थ्री लाइंस पर, नहीं सॉरी सेटिंग पर जाना है आपको, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर, और उसके बाद ये जो नीचे सेटिंग ऑप्शन है इस पर आपको जाना है और इसको स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लियर हिस्ट्री, इसको आप क्लियर कर दोगे एवरी ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। मतलब एक दिन में लास्ट एंड ऑफ द डे कर दोगे आप, या फिर आप उसके दो दिन बाद कर दोगे, बट क्लियर हिस्ट्री आपको करनी है। क्लियर हिस्ट्री हमें इसलिए करनी है ताकि आप जो भी एक्टिविटी फेसबुक पर कर रहे हो आप, क्योंकि बिजनेस प्रमोशन आप फ्री में कर रहे हो और फ्री में जनरली होता ये है कि आप बहुत ज्यादा करते हो तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपके व्यूज बंद कर देता है और आपके पास कमेंट आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लियर हिस्ट्री कर देना है ताकि आपकी जो एक्टिविटी है वो क्लियर्ड हो जाएगी और वो फेसबुक टीम के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको करना है एंड उसके बाद आपको जो आपका प्रोफाइल है ना वो थोड़ा सा कैची बनाना, क्योंकि आपका प्रोफाइल देखते हैं लोग, जब आप पोस्टिंग करते हो तो प्रोफाइल भी देखते हैं, तो उसमें आप जस्ट प्रोफाइल पिक एक बिजनेस से रिगार्डिंग डाल देना और एक आपकी खुद की प्रोफाइल, और नीचे आपका जो डेजिग्नेशन है मतलब जिस बिजनेस के रिगार्डिंग हो आप उस बिजनेस के रिगार्डिंग उसमें डाल सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि अगर हम प्रोफाइल को लॉक करते हैं तो हमें कमेंट्स नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्रोफाइल लॉक का मतलब ये होता है कि पब्लिकली कोई भी आपकी प्रोफाइल में एंटर करके आपकी पूरी टाइमलाइन को, आपके फ्रेंड्स को नहीं देख सकता है। अगर आप उसको पब्लिक रखोगे तो कोई भी आपके प्रोफाइल को खोल के पूरा विजिट कर सकता है, लेकिन अगर आपका लॉक्ड है प्रोफाइल तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कमेंट नहीं आएंगे या फिर आपके पास लीड्स नहीं आएंगी या फिर आपके पास मतलब आपके पास लाइक कमेंट्स या व्यूज या लाइक या शेयर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर योर सेक ऑफ सिक्योरिटी आप अपने प्रोफाइल को लॉक ही रखिए, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस प्रमोशन कर रहे हैं तो दिस इज नेसेसरी। प्रोफाइल को लॉक करने का मतलब ये होता ही नहीं है कि आपके पास कमेंट नहीं आएंगे, लॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके प्रोफाइल को विजिट नहीं कर सकता है, मतलब आपकी सिर्फ वो पिक को, आपका जो कवर फोटो है वो देख पाएगा, उसमें अंदर जाके आपके फ्रेंड लिस्ट को या फिर आपकी जो एल्बम वहां पे पड़ी हुई है, जो आपके पिक्स पड़े हुए हैं वो नहीं देख सकता है, ठीक है। क्विज पोस्ट आपको खुद बनानी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट आपको खुद से क्रिएटिविटी दिखानी है। जैसे एक मिनट, कैनवा आपको सबको आना चाहिए बनाना, क्योंकि इस बिजनेस में कैनवा आना बहुत जरूरी है। कैनवा को आप डेली एक्सप्लोर करो, वो ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा टूल है जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टिंग बना सकते हो। अब जैसे कोई भी ग्रुप में आप गए, ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसमें गए आप, ठीक है, यहाँ पर आपने एक क्विज डाल दिया, व्हाट काइंड ऑफ वर्क
आर यू लुकिंग, आप हिंदी में लिख सकते हो तो हिंदी में भी लिखो, कोई उसमें वो नहीं है, लुकिंग फॉर। अब इसमें आप ऑप्शन डाल दो, फर्स्ट सॉरी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, सेकंड पार्ट टाइम जॉब, थर्ड डेटा एंट्री वर्क, फोर्थ रीसेलिंग। ठीक है, मतलब ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, आप कुछ भी, आप एक या आधा घंटा ना इस चीज के लिए जरूर दो, कुछ ना कुछ टेम्पलेट रेडी करो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके आप कैनवा में बनाओ, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कैनवा में एक अच्छी सी पिक बनाओ और उसको अटैच करो यहाँ पे, क्लियर। तो ये आपने इस तरीके से डाला, अब यहाँ पर से योर, नहीं से नहीं जाएगा, ड्रॉप डालो, ड्रॉप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपने ये पोस्टिंग कर दी, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, रीसेलिंग, ठीक है, ये पोस्ट कर दी। ये होता है क्विज, ये आपको मॉर्निंग में एक दो ग्रुप में डालना है। मैंने जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में, इससे क्या होगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, इंगेजमेंट ही बढ़ाना है आपको स्टार्टिंग में। जैसे जैसे इंगेजमेंट यूजर का आपके अकाउंट से बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपकी रीच बढ़ेगी, आपके व्यूज बढ़ेंगे, तो आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब अचीवमेंट्स आते हैं, वो नाइट में आपको डालने हैं, अचीवमेंट्स या फिर इनकम के स्क्रीनशॉट्स या फिर जो डेली जॉइनिंग्स प्रूफ होते हैं वो डालो आप, तो इस तरीके से आपको उसमें डालना है, क्लियर। ओ आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी, नहीं स्क्रीन शेयर है ना, ठीक है। अब किसी को कोई भी क्वेरी है चैट बॉक्स में पूछ लो आप, मैंने सारा कुछ फेसबुक पोस्टिंग का आपको बता दिया है, थ्योरिटिकल भी बता दिया है, प्रैक्टिकली भी बता दिया है, आपको खुद से हिट एंड ट्रायल्स लेने हैं। अगर एक ग्रुप में पोस्ट करते हैं फिर इसकी पोस्ट को शेयर करते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी टाइमलाइन पे। आप अगर कोई भी, हाँ एक और चीज मैं दिखाना भूल गई, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। जैसे आप एक पोस्टिंग करते हो, ठीक है, जैसे सपोज मैंने ये वाली पोस्टिंग की, कोई भी ग्रुप में सपोज मैंने यहां पर ये पोस्टिंग डाली, आप अपने फोल्डर में जाओगे, ठीक है, कोई भी पोस्टिंग आपने फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ले ली, ठीक है, आपने इसको पोस्ट कर दिया, क्या आपकी एक ग्रुप में पोस्ट हो गई पोस्ट, ठीक है। अब इस वाले में ऑप्शन नहीं आ रहा है शेयर का, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ शेयर वाला ऑप्शन, कि आप एक ही पोस्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, वो वाला ऑप्शन सारे ग्रुप्स में नहीं आता है। जैसे सपोज इसमें एक बार करके देख लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ा टाइम हो रहा है मेरा फोन, ठीक है।
जैसे आपने फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें अगर शेयर का ऑप्शन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी वो चीज। हाँ, इसमें शेयर का ऑप्शन है, देखो ये मेरे पास कमेंट भी आ गया जो मैं आपको पोस्टिंग कर रही हूँ ना, ये देखो कमेंट भी आ गया। अब देखो इसमें ऑप्शन होता है शेयर का, ये आप शेयर करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक विंडो पॉपअप होगी, आपको क्या करना है, शेयर टू ग्रुप्स एक ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करना और आपके जितने भी ग्रुप्स है ना वो सब ओपन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सेम इसी को आपको डिफरेंट डिफरेंट 5 ग्रुप में करना, उससे ज्यादा मत करना, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो जो अच्छे वाले ग्रुप्स हैं उसमें आप कर देना, ये सेम पोस्ट आपकी चली जाएगी उसी ग्रुप, ये दूसरे ग्रुप में, ये गई दूसरे ग्रुप में, योर शेयर, यू शेयर दिस पोस्ट। अब सेकंड में वेस्टीज वाले में कर देती हूँ ये वाला, ठीक है, इसमें गई और एक इसमें कर देती हूँ, 3 में कर दो, ज्यादा में नहीं करो। देखो ये मेरे पास ना, मैं आपको दिखा रही हूँ और मेरे पास कमेंट भी आने लगे, ये देखो व्हाट्सएप पे मेरे को ऑनलाइन वर्क करना है, ठीक है, तो मैं ये लाइव दिखा रही हूँ आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास लीड्स नहीं आएंगी, थिंग इज दैट कि आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, हैंड टू हैंड आपको लाइव दिखा रही हूँ मैं, कमेंट्स आना भी स्टार्ट हो गए, क्लियर इतना। तो आप मल्टीपल ग्रुप्स में भी इसको सर्च कर सकते हो, सॉरी शेयर कर सकते हो, और आपकी ये एक ही पोस्ट जो है वो 3-4 ग्रुप में चली गई, ये देखो। ये देखो यही पोस्ट सेम मेरी थी, सेम इसी ग्रुप में शेयर हो गई और इस वाले ग्रुप में भी शेयर हो गई, सेम पोस्ट, यू शेयर दिस पोस्ट, ये इसमें भी चली गई। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपनी पोस्ट को लाइक भी करते जाओ और उसमें यस यस भी लिखते जाओ, 3 बार कर देना, और इसको भी लाइक लाइक और लाइक कर देना, ठीक है, क्लियर। कैसे मल्टीपल, एक ही पोस्ट को मल्टीपल ग्रुप में आपको पोस्ट करना, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया और लाइव मैंने दिखा भी दिया आपको, कमेंट आना भी स्टार्ट हो गए। अब आप चैट बॉक्स में डाल दो, उसके बाद मैं सेशन एंड करूंगी, किसके क्या कह रही हूँ। एमएलएम का फुल फॉर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग ही होता है, तो एमएलएम ग्रुप्स में भी आप पोस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नेटवर्कर को हैंडल कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है आपके हाथ में सबसे बेस्ट प्लान है आज की डेट में, तो आप नेटवर्कर को ही अप्रोच करो, मैं तो बोल रही हूँ, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपकी नॉलेज हाई है ना और आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपके पास नॉलेज है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन को लाते हो तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई में ग्रो होता है, ठीक है, क्योंकि न्यू ज्वाइनर्स को पूरा वर्क सिखाना पड़ता है, क्योंकि आपके हाथ में बेस्ट प्लान है ना, तो इसलिए आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। मार्केट प्लेस का अलग से ट्रेनिंग दूंगी मैं प्रियंका, वो अलग चीज होती है, ये अभी आप इतना समझ लो फेसबुक पोस्टिंग का, फ्री ग्रुप्स का पोस्टिंग कैसे होता है, बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जो मैंने आज फ्री ग्रुप के काफी सारे कवर कर दिए आप सभी को। 5 पोस्टिंग के साथ 3 टाइम्स शेयर कर सकते हैं ना 1 पोस्ट को, हाँ आप कर सकते हो 3 टाइम्स शेयर, नो वरीज। ओके थैंक यू सो मच फॉर फेसबुक, मेरे फेसबुक पर नॉट विजिबल, एक बार आप अपनी अपलाइन को दिखा देना मिशा, ऐसे मुझे क्लियर नहीं हो रहा है क्या आ रही है आपके प्रोफाइल में दिक्कत। कैनवा का ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, बेसिक कैनवा का है, उसमें कैनवा एक ऐसी चीज है, जब तक आप उस पर खुद हिट एंड ट्रायल नहीं लोगे ना, खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे ना डेली, तब तक आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बेसिक है रिकॉर्डेड सेशन में, कैसे उसमें पोस्टिंग बनानी है, कैसे उसमें क्या करना है, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन में है जो हम देते हैं आपको, अगर आपने वो देखा है ना तो आपको बेसिक क्लियर है, अब आपको उसमें हिट एंड ट्रायल्स लेने हैं, ठीक है।
पोस्टिंग पिक्स ले लेना ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में हो आप, सब अपलाइन के पास पोस्टिंग पिक्स होती हैं, उतनी ले लो और बाकी का आप अपने आप से भी कैनवा में डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी जरूर रखो, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी करके करोगे ना तो उसका अलग ही रिजल्ट निकल के आएगा। आपकी आइडिया अगर ब्लॉक हो रही है ना मानसी, इट मीन्स आप बहुत मिस्टेक कर रहे हो। आज जो मैंने चीजें बताई हैं अगर आप उनको फॉलो करोगे ना, आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। मेरी आज तक आईडी ब्लॉक नहीं हुई है, तो रीजन बिहाइंड आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, और जिस ग्रुप में आपकी पोस्ट रेस्ट्रिक्टेड हो गई है ना, उस ग्रुप में मत करना पोस्टिंग आगे से। ठीक है, आप दूसरे ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें ही आप करना। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, जो भी मिस्टेक्स आपकी हो रही थी फेसबुक पोस्टिंग में। अब